अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं पिंडी प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं। आज यहां इमरान खान की रहाई के लिए फातिहा नहीं होगी। यहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान एक बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। आपको पता है कि आज 4 तारीख है, 6 तारीख को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का परेड ग्राउंड में जलसा होना था, जो जलसा मनसूख हो गया। ईद के बाद जलसा होगा, लेकिन लोग बहुत बेताब थे इमरान खान के लिए बाहर निकलने के लिए। आप देख सकते हैं आज पिंडी में एक बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। ये टीम इमरान खान है और ये टीम इमरान खान की क्यादत तनवीर असलम राजा साहब कर रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं, ये टीम बनाने का मकसद क्या है और छः का जलसा भी मंसूख हो गया। राजा साहब सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत से नौजवान, एक जैकेट टीम इमरान खान पीछे लिखा हुआ है, ये क्या कहना है? PP19 की टीम है। बेसिकली ऐसा होता है कि हमारे फंक्शन, चूँकि आपको पता है बहुत बड़े फंक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं गैदरिंग, तो ये टीम बेसिकली लोगों को मैनेज करेगी, उनको बिठाने में, रैलियां चलाने में। हमारे जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं दुआ का फंक्शन है, तो इसमें ये टीम जो है लोगों को हेल्प आउट करेगी, गेस्ट को रिसीव करेगी। सो इस तरह के काम बेसिकली टीम इमरान खान, ये यूनिटी दिखाने के लिए और अपने लोगों को जानने के लिए कि हमारी जो टीम है वो कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रही है, उनको देखने के लिए। अच्छा राजा साहब, ये बता दें, 6 का जलसा होना था वो मंसूख हो गया और आज 4 तारीख की रात है, आज तक रात है, लोग इबादत करें, लोग इमरान खान की रहाई का मुतालबा करें, इमरान खान की रहाई के लिए दुआ करें, तो आज यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं एक बड़ी तादाद में लोग आए हैं बाहर, मकसद क्या है? मकसद वही आपने कहा, जैसे ताक रात है, रमज़ान का महीना है, तो हम भी खान साहब के लिए कोई दुआ, कोई अल्लाह से मदद मांगने के लिए यहाँ सारे लोग जमा हुए हैं, क्योंकि आपको पता है जो जालिम हैं पाकिस्तान में उनसे तो उम्मीदें अब नहीं हैं, तो अब हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। और फिर 6 के जलसे के हवाले से आपने कहा, वो फिर वही था कि चूँकि 27वीं की रात थी और हम नहीं चाहते थे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट बने, कोई इस तरह की चीज़ हो, लोगों को, लोग इबादत में मसरूफ़ होंगे, तो इसलिए हमने उसको पोस्टपोन किया, कैंसिल नहीं किया, हम उसको फिर नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। कहा ये जा रहा है ईद के बाद मज़ीद जलसे होंगे, पिंडी का भी जलसा होने को कहा गया, तो क्या तैयारियां हैं इस हवाले से? और पिंडी में जो मैंडेट की बात की जाती है, पिंडी सारे डिवीजन को हरा दिया गया, उसकी क्या तैयारियां? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो टाइगर है वो 24 घंटे तैयार रहता है, ठीक है, तैयारियां तो हमें नहीं करनी पड़ती हैं। अभी आप देख लें, दुआ का इवेंट है, इसको हमने सिर्फ थोड़ा सा सोशलाइज़ किया, लोगों को बताया, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसके बाद ईद के बाद प्रॉब्ली पिंडी, कराची और पेशावर, इस्लामाबाद के अलावा, ये भी जलसे इंशाल्लाह मुतवक्को हैं और उनकी डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह भरपूर शो करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं तनवीर असलम राजा साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके ये नौजवान आपको टीम इमरान खान, ये एक मिनट, ये देखें टीम इमरान खान 19 नंबर, ये लिखा गया PP19 है, तो PP19 की ये टीम है, टीम इमरान खान, और एक बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान है। एक्चुअली ये जो तैयारी थी ये 6 के जलसे के लिए थी, 6 के जलसों को इन्होंने इंतजाम करने थे, मैनेज करना था लोगों को जो दूसरे शहरों से आना था, लेकिन आपको पता है 6 का जलसा मंसूख हुआ, ईद के बाद कहा जा रहा है ईद के बाद जलसा होगा, और ये लोग तैयार हैं और आज इमरान खान की रहाई के लिए यहाँ दुआहाने की जा रही हैं, एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Yeah!
नॉर्थ रीजन की प्रेसिडेंट सिमाबिया ताहिर मेरे साथ मौजूद हैं। आज इमरान खान की रहाई के लिए यहाँ दुआहानी हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम आपको याद हो F9 पार्क में इमरान खान ने रमज़ान में प्रोग्राम किया था, आज इमरान खान अडियाला जेल में है और आप यहाँ प्रोग्राम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? बस सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अपने लीडर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी इस कौम के लिए, अपने इस मुल्क की बका और सालमियत के लिए और इमरान खान और इमरान खान के उन तमाम वर्कर्स के लिए, असीरान हकीकी आज़ादी जो हैं उनके लिए आज ये खुसूसी दुआ का अहतमाम हम सब ने किया है। और आज की रात भी बहुत मुबारक रात है। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम में से किसी गुनाहगार की दुआ कबूल करके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के सदक़े हमारे लीडर को और उन तमाम असीरान हकीकी आज़ादी को रिहाई नसीब फरमा दे कि जो लोग पिछले 9 महीनों से वहाँ पर कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो अपने बच्चों से दूर हैं, जो अपनी फैमिली से दूर हैं, ईद आने वाली है और हम चाहते हैं कि वो तमाम लोग अपनी फैमिलीज के दरमियान ईद भी मनाएं बिल्कुल उसी तरह जैसे लास्ट टाइम खान साहब के साथ सबने ईद की थी। अच्छा यकीनन मैडम, ये नज़र आ रहा है कि ये जो ईद है, नज़र आ रहा है कि ईद आपकी इमरान खान के बगैर गुजरेगी, तो क्या जज्बात हैं आपके? बहुत बुरे हैं, सॉरी, ईद नहीं है खान के बगैर, कोई ईद नहीं है, खान मतलब आप जानते हो हसनैन, खान ने ना इस मुल्क को अपनी ज़िंदगी दी है, उसे कुर्बानियाँ दी हैं, उसने इस कौम को वो शऊर देने के लिए ना कि जिसकी इस कौम को ज़रूरत थी उसके लिए उस शख्स ने वो कुर्बानी भी दे दी कि जो उसका उस पर कर्ज़ भी नहीं थी, उसको नहीं देनी चाहिए थी लेकिन उसने दी है। किस लिए? आपके, मेरे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आज हमारा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत कौम कि हम उस लीडर के लिए वो जंग लड़ें, उस लीडर के लिए हम हर दुआ में उसको याद रखें कि जिस लीडर ने अपनी फैमिली, अपनी बहनों, अपने बच्चों, हर एक को कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमारा मुल्क सलामत रहे और ये कौम सलामत रहे, उस शख्स को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। आप साइफर देख लो, आप तोशाखाना देख लो, आप अलकादर ट्रस्ट वाला केस देख लो, आप इद्दत केस, कोई भी केस उठा लो, 140 के करीब केसेस आपने उस शख्स पर किए, उस एक अकेले शख्स पर, ठीक है। और वो लोग कि जिन्होंने वाकई में इस मुल्क की तबाही निकाली, वो सारे लोग आज जो हैं वो इक्तदार में बैठे हुए हैं, वो मरियम, वो नानी 420, वो थीफ मिनिस्टर, ठीक है, कि जिसको जो अपना हलका नहीं जीती उसको आपने वज़ीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया बिना ये सोचे समझे कि आप पंजाब की 12 करोड़ अवाम को जो है आप किस मुश्किल में डाल रहे हो, आपने उनका जीना महाल कर दिया है। तो आपने इन सब को अंदर डालने के बजाय उन लोगों को कि जो कहते थे कि हम कहते थे कि हम इनके पेट से निकालेंगे, हम इनको सड़कों पे घसीटेंगे, आपने उन लोगों को आज इक्तदार पे बिठा दिया और उस शख्स को जेल में भेज दिया कि जो शख्स इस अवाम का दर्द लेके जो है वो खड़ा रहता था, वो बोलता रहता था, वो चीखता रहता था, वो कहता रहता था, वो बताता था पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में इस कौम की आवाज़ बना हुआ था, आपने उस शख्स को हटा दिया है। अच्छा मुझे ये बता, जी मुझे ये बता दें, 6 तारीख को जलसा होना था जो मंसूख हो गया और पिंडी में तो आज ही जलसे जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है, एक सोशल मीडिया पे ये सिर्फ पैगाम जारी किया गया था, यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये इमरान खान से मोहब्बत है लोगों की, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये इस कौम से और उन असीरान हकीकी आज़ादी का हक अदा करने ये लोग यहाँ पर आए हैं कि जिन्होंने इन सब के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और वो जेलों में हैं। और एक बात, जो आप जलसे की बात करो, 6 अप्रैल का अगर जलसा मनसूख हुआ है तो क्या हो गया, 19 अप्रैल को इंशाल्लाह रावलपिंडी में जलसा होने जा रहा है जिसकी हम बाकायदा पटिशन हम दे चुके हुए हैं और इंशाल्लाह हाई कोर्ट में कल हमारी पटिशन की हेयरिंग है एंड आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह हमें 19 तारीख के जलसे की इजाज़त मिलेगी और रावलपिंडी में दमादम मस्त कलंदर होगा जलसा। ये साथ लियाकत बाग आपने डिसाइड? जी बिल्कुल, लियाकत बाग की है, कल हमें इजाज़त मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम तैयारियाँ शुरू करें। शुक्रिया, थैंक यू।